हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर विद अनुष्का. गाइस हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. गाइस एक्चुअली वी आर ऑन द वे टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस ऑफ अ स्टैंडर्ड 9, दैट इज द इंप्रूवमेंट इन द क्रॉप प्रोडक्शन, दैट हाउ कैन वी इंक्रीज द डोमेस्टिकली और बाय फील्ड वी आर ग्रोइंग विच ऑफ द क्रॉप एंड हाउ कैन वी इंक्रीज इट्स क्वालिटी एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एंड द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स अबाउट इन दिस टॉपिक. सो we are now today going to discuss about the nutrients management, that how can we manage the nutritional value of the soil, how can we manage the nutritional value of the crop grains or the food. So today plants can manufacture their organic food by themselves and required only the inorganic chemical substance from the outside. ओके गाइस, सो ऑर्गेनिकली जो हमारा सॉइल है वो कैपेबल होता है खुद के लिए अपना जो हमारे लिए लो मात्रा में सॉइल्स को चाहिए या फिर क्रॉप प्लांट्स को चाहिए और हाई मात्रा में जो यानी कि जो हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि इन सब चीज़ों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे सॉइल को, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट अगर हम प्रॉपरली कर रहे हैं तो ये चीज़ें सारी आती हैं किसमें, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स. सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो विदाउट डूइंग एनी डिले एंड मूविंग इन हियर एंड देयर, लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ टॉपिक. सो गाइज keep watching till the end so that you can understand properly all these terms, because there are some scientific practices which we are going to use nowadays in our agriculture and we have to study about that. Government cha rahi hai ki hum apne agriculture ko leke, being India 60 to 70% agriculture pe directly or indirectly dependent hai, isliye bahut zaruri ho jata hai hamare liye kheti ke bare mein, एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में, क्रॉप के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में जानना. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो द इनऑर्गेनिक हमने देखा कि ऑर्गेनिक जो चीजें हैं उन्हें सॉइल खुद ही प्रिपेयर करने में कैपेबल है. सॉइल में बहुत सारी ऐसी माइक्रो बैक्टेरियाज होती हैं, प्लांट्स को लेकर ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि क्रॉप्स को डिकम्पोज करके न्यूट्रिशनल वैल्यू सॉइल क्या होते हैं, अपब्रिंग करते रहते हैं हमेशा, टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहते हैं. हमें प्रॉपरली अगर कोई न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक चीज है जो कि केमिकल के रूप में है, अगर उसे ग्रो करना है तो उसके लिए हमें क्रॉप्स को या फिर सॉइल को बाहर से मैन्योरिंग या फिर उस चीज को सॉइल में पुट ऑन करने की जरूरत होती है. किस चीजों को? जो कि इनऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक चीज सॉइल खुद ही कैपेबल है करने में. अगर नहीं कर पाया है तो उसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक तरीके अपनाकर अपने सॉइल को क्या कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं, उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे रीगेन कर सकते हैं. ओके गाइज, द इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस विच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर, आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. ओके, हमारे प्लांट्स जो हैं इनऑर्गेनिक चीजें कौन कौन सी लेते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं इनऑर्गेनिक जिनका हमें ध्यान रखना है क्रॉप के प्रोडक्शन के टाइम, प्लांट्स के ग्रो अप होने के टाइम, वो है सॉइल, एयर और वाटर. इन तीनों चीज की अवेलेबिलिटी और इन तीनों चीजों की प्यूरिटी और इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी हद तक डिपेंड करता है कि हमारे क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो सही होने वाली है या फिर नहीं. ओके गाइज, सो दाउ द प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग. ओके, सो ऑल ऑफ दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ. न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत सारी होती है, बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल जो कि हमारे क्रॉप्स को मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू प्लांट्स नहीं लेती हैं. प्लांट्स को कोई खास न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम कोई एक खास ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो जो न्यूट्रिशनल चाहिए होता है सिर्फ वही चीजें प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए उनका क्वांटिटी जो है टाइम टू टाइम सॉइल में घट जाता है. उसे मेंटेन करने के लिए हमें मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग करना होता है अपने क्रॉप फील्ड को, जस्ट टू रीगेन द फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ आवर सॉइल. ओके गाइज, so these are the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, iron, or magnesium, bronze, zinc, copper, all these things are the 16 most important nutrition that have been found for essential for the production of crops. So the plant obtain their nutrition mainly from the soil, so we have to put on all these things in the way of fertilizer and manure in the soil just from there so that crops can take it. Okay, so out of these 16, as 13 are absorbed from the soil, because बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिकली प्रेजेंट होती है एनवायरमेंट में, जैसे अगर आपके क्रॉप को प्लांट को
वाटर मिल रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफी मात्रा में अवेलेबल है। ऑक्सीजन फिर इन्वायरमेंट से भी मिल रहा है आपके प्लांट्स को, तो उसे उन सब चीजों को सॉइल से अब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी न्यूट्रिशन है जिनको कि हमारा प्लांट जो है, जो क्रॉप्स जो है वो गेन कर रहा है खुद ही एनवायरमेंट से, उसे इस चीजों के लिए सॉइल पे या फिर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है।